तारे जू। मैं आई हूँ यहाँ पे मेहंदी लगाने जो है मीरा रोड स्टेशन में, और आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोग उधर बैठते हैं मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैं भी बैठी हूँ मेहंदी लगवाने। और इनका मेहंदी मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा फास्ट है कल से, तो मुझे ऐसा था कि मुझे बेस्ट डिज़ाइन बट ऐसा चाहिए कि जो एकदम डेलिकेट हो बट स्टिल हाथ भरा भरा दिखे, तो इन्होंने एकदम परफेक्टली उसको जस्टिस दिया और बहुत फटाफट इन्होंने मेरा दोनों हाथ का मेहंदी अराउंड 25 मिनट्स के अंदर लगा दिया। और कलर मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा आएगा। फ़िलहाल के लिए मेरे दोनों हाथ हो चुके हैं कंप्लीट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज से मेरा उपवास स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फास्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जो है जया पार्वती, और वो होता है 5 डेज का। तो चलो मेरे साथ देखते हैं कि मैं क्या क्या खाती हूँ ये 5 डेज पे, और आराम से मैं समझाऊंगी कि ये फास्ट क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए, आज सैटरडे है बट हम लोग को वर्किंग है, वो भी फुल डे स्कूल है। तो मैं स्कूल में क्या खाती हूँ, मैं अभी क्या खाती हूँ और स्कूल के आने के बाद क्या खाऊँगी, सब आपको दिखाऊँगी। तो चलो मेरे साथ, अ डे विथ मी, फर्स्ट डे ऑफ जया पार्वती। ये है जवारा, इनकी पूजा करेंगे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं जवारा की पूजा। अब करेंगे पूजा, तो सबसे पहले दिया को प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद एक पत्ते पे थोड़ा सा लविंग, एक लविंग, इलायची, सुपारी, शक्कर और 3 फ्रूट्स रखे हैं। फिर इस पे मैंने जवारा के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम और पानी से पूजा किया। फिर इसको है गेवा सूत्र बोलते हैं, और फ्लावर रखा एक। फिर करेंगे महादेव और पार्वती जी की पूजा। पूजा करने के बाद हम थोड़ा प्रे करेंगे और फिर टाइम आता है आरती का। तो अभी आरती की तैयारी कर रहे थे, और आरती भी हम शंकर जी की आरती गाते हैं, तो वो आरती करेंगे हम। बहुत अच्छा लगता है ये टाइम पे, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी लगता है, और यही प्रे करते हैं कि 5 दिन अच्छे से निकल जाए। और बस अच्छे से पूजा हो चुकी है, और ऐसे तो मैं इतना मंदिर नहीं जाती, मतलब सिद्धिविनायक आप लोगों को पता है मैं बहुत जाती हूँ, बट घर पे ऐसे पूजा इतना सब मैं नहीं करती हूँ। मन में बहुत श्रद्धा है बट पता नहीं नहीं होता है। एनीवेज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 दिन एटलीस्ट उस बहाने या फास्ट के वजह से या जो मेरा व्रत है उसके वजह से, उसके कारण मैं पूजा करती हूँ अच्छे से बैठ के, तो अच्छा भी लगता है। और फिर सोचती हूँ अभी हर रोज़ करूँगी। एनीवेज वो देखते हैं आगे कि करूँगी कि नहीं, बट आज अभी मेरा पूजा अच्छे से हो चुका है। अभी मैं क्या खा रही हूँ या क्या पी रही हूँ देखते हैं। सो जाते हैं, हेल्दी पी रहे हैं। तो इसमें है नींबू और शक्कर नहीं है, उसके बदले है हनी। तो मैं नींबू और हनी का पानी पीऊंगी। पे तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं बट मुझे वैसे इतने सब पसंद नहीं है। और हाँ, आप बहुत कुछ खा सकते हो फास्ट में, जिनको स्वीट्स पसंद है वो सब तरह के स्वीट्स लाइक जो दूध या पनीर से हो वो खा सकते हैं, बट मेरे केस में उल्टा है क्योंकि मुझे स्वीट्स ज़रा भी नहीं पसंद। तो मैं फास्ट में स्वीट्स खाती ही नहीं हूँ, मैं मोस्टली फ्रूट्स पे रहती हूँ। और एक टाइम क्या खाऊँगी वो भी मैं देखती हूँ, अगर आज वो आएगा तो, वरना मैं कल बताऊँगी। फिलहाल हैविंग लेमन एंड हनी, ठीक है, टेस्ट डेवलप करना है बट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। स्कूल पहुँच चुकी हूँ, और ये है मेरे टिफिन में लीचीज, प्लम, और ये है मखाना, मेरे फेवरेट, विदाउट सॉल्ट, बस इसको ऐसे ही रोस्ट किए हैं, घी भी नहीं डाला है। तो पैन एक बार अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने सेक लिया था, वही मैं अभी खाऊंगी। जस्ट मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा ट्रैफिक मिला तो लेट हो गया। एनीवेज चलो घर पे जाते हैं और देखते हैं अभी क्या खाऊंगी। पहले थोड़ा सा वर्कआउट करूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि 5 दिन एनर्जी रखना है, बट थोड़ा सा करूंगी ताकि बॉडी स्टिफ ना हो जाए, और फिर हम देखते हैं आज क्या खाते हैं शाम को।
तो मैंने अच्छे से वर्कआउट कर लिया है। नहीं नहीं ये पसीना नहीं है, बस मैंने मुंह धोया है। और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ मेरे डिनर का, तो मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलो तो यहाँ पे ऑलरेडी मासी ने कुछ तो प्रिपेयर किया है, क्या है वो मैं हम उसी से पूछेंगे। ये है मोरस की भाजी। जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, आपने मेरे जया पार्वती के व्लॉग्स देखे रहेंगे कि ये भाजी क्या होती है। तो ये हम यूज़ करेंगे किस में वो मैं आपको बताती हूँ, और ये क्या है वो हम मासी से पूछते हैं। ओके तो चलो मासी को पूछते हैं। मासी आ गई है, तो हम क्या बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हो मेरे लिए? सूजी में दही डाल के भिगाया है। अच्छा, और उसमें ये व्रत में मोरस की भाजी खाते हैं। हाँ, तो वो उसमें क्रश हाफ क्रश करके डालूंगी। ओके, अदरक मिर्ची और जीरा। हाँ, फिर उसका चिल्ला बनाऊंगी। अच्छा, तो अभी इसमें आपने कितना दही डाला है, कितना अंदाज से? एक कटोरी में हाफ कटोरी दही। एक कटोरी सूजी, हाफ कटोरी दही डाल के भिगाया है। हाँ, फिर कंसिस्टेंसी चेक करें। हाँ, बट अभी इसमें पानी नहीं डाला है। नहीं, अभी पूरा दही है। आते तब मैं आपको बताती हूँ। लोग बा को भी बहुत मिस कर रहे हैं, तो चलो बा को भी मिल के आते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी कॉफी भी बन रही है, तो हाँ, क्योंकि मैं स्वीट्स नहीं खाती। आई नो, ना इलची नहीं, नॉर्मल कॉफी बनाओ। क्योंकि मैं स्वीट्स नहीं खाती, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है मेरे को नहीं पता। लोग जो फास्ट करते हैं वो लोग स्वीट्स पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। बिंदास फास्ट हो सकता है, मेरे जैसे के लिए फास्ट थोड़ा अग्रा है। अग्रा मतलब डिफिकल्ट। चलो देखते हैं कि हमारी स्टार क्या कर रही है। लेट्स सी। बा रहे हो आप? क्या कर रहे हो? वानगी देख रहे हो? वानगी मोबाइल पे वानगी देखती। कौन सी वानगी देख रहे हो? ये तो आप लिविंग रूम के वीडियोस देख रहे हो, आपको घर बनाना है। हाँ चलो एक छोटा सा गीत गाओ। सब सब बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से बा ने कोई गीत नहीं गाया। झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख लो मैं आपको कमेंट्स में बताती हूँ। सब बोलते हैं कि आपकी बा बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत बहुत क्यूट है मेरी तरह। રાધા નું કયું? હા એ ડિલીટ થઈ ગયું તું બરાબર? હા તો ઈજ ગા। ભુલાય તારી યાદ રે।
तो जमुना में काटे सांबड़े संबारना बचपनना सांबड़े संबारना बचपनना सुना चे पनगट सुनी वाटे सुना चे पनगट सुनी वाटे रही बीचु जमुना ने काटे विरवे देना बुलावे बानरे क्या एना संभड़ाय बंसरी सूर रे वियोगनी वेदना ने तू सुन जान रे जयु बीचु जमुना ने काटे राधानो अमर प्रेम श्याम तू श्यामनी यादोनो प्रेम अजोड़ तू जीवननो त्यागता रचरण रे जीवननो त्यागता चरण रे जमुना ने काटे श्याम तारे जुए राधा पाटरे वाह 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 क्या बात है। बस इसी के साथ आपको मिलती है दूध वाली कॉफी। अच्छा पियो। आप पियोगे? नो। बा जया पार्वती नो व्रत नो महत्व शू छे? क्यों अने कया भगवान ने आपणे पूजिए? शंकर पार्वती। જયા પાર્વતી તો આપણું સૌભાગ્ય માટે આપણા આપણા વર માટે વરની ન કહેવાય શું કહેવાય સૌભાગ્ય માટે સૌભાગ્ય માટે આપણા પતિને લંબી ઉંમર થાય સૌભાગ્યવતીનું વ્રત છે। ઓકે બધાને ખબર હોય ગાંડાથી બા બધાને ના ખબર હોય કેટલા લોકો મને પૂછે એ જયા પાર્વતી ક્યાં હોતા હે જે ગુજરાતી ના હોય ને મારા સ્કૂલમાં એવા ઘણા ટીચર્સ છે તો એ લોકો પૂછે કે તમે આ કેમ કરો અને એકચ્યુઅલીમાં આ મારું છઠ્ઠું વર્ષ છે। બોરસ કી ભાજી કો મિક્સી મેં સેમી ક્રશ કિયા ઓર ઉસકો વો मिक्सचर में मिक्स कर दिया था सब्जी का रेडी किया था और इसमें डाला अदरक और मिर्च कि मैं हेल्दी खाऊंगी कुछ तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या बनाया था तो बस अभी मैं खाऊंगी और एक चीज़ अभी मैं बैठ के खाऊंगी क्योंकि ये अभी मैं खड़ी नहीं हो सकती तो जितना बैठ के खाना है मैं उतना खा सकती हूँ उसके बाद तो मैं फ्रूट्स खा सकती हूँ बट ये चीज़ नहीं तो चलो मैं खा लेती हूँ और फिर आपको बाद में मिलती हूँ। ये है दही और ये छोटे से उत्तपम। इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत बहुत मज़ा आया रहेगा। मज़ा आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बताया जो है हितेश रिजानी। और तब तक के लिए आपका ध्यान रखें आपके पेरेंट्स का ध्यान रखें और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइज़।